नमस्कार, मैं हुस्ना हाशमी। मैं आज फिरोजाबाद में आई हुई। यहाँ पर मौलाना साहब बैठे हुए हैं। आइए पूछते हैं, जो वसीम रिजवी के ऊपर जो विवादित बयान जो उन्होंने दिया है उसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जो उन्होंने 72 जो आयतें बता रहे हैं आप, उसको 26 आयतें जो हटाने के लिए बोला, तो उसमें क्या है उसका आगे बताएंगे। देखिए, ऐसा है, कुरान जो है 1400 साल पहले नाजिल हुआ, लेकिन 1400 साल से लेकर आज तक मेरी बहन कुरान के अंदर कोई रद्दबदल नहीं हुई, और वो भी कैसे सकती है, इसलिए कि कुरान मुकम्मल है और इस कुरान को मुकम्मल करने वाली कायनात का मालिक मुख्तार अल्लाह की ज़ात है। तो कुरान को ना कभी घटाया जा सकता है ना कभी बढ़ाया जा सकता है। वसीम रिजवी साहब तो 26 आयतों की बात करते हैं, अगर वो एक जेर ज़बर की भी बात करते और बदले में हमें सारी दुनिया का सामान भी दे देते, सारी दुनिया की दौलत भी अगर दे देते, तो एक मुसलमान का बच्चा से बच्चा भी इस बात को गवारा नहीं करता, इसलिए कि कुरान पर हमारा ईमान है और क़यामत तक जैसा हमारा कुरान है वैसे ही रहने वाला है। और वसीम रिजवी साहब को मैं ये राय देना चाहूँगा कि वसीम रिजवी साहब वो ये कह रहे हैं ना कुरान की 26 आयतें बदल दो या इनको हटा दो, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, तो मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी को आप हटा दीजिए, हम बदले में अगर आप हमसे करोड़ों रुपये भी मांगेंगे तो हम देने को तैयार हैं, इसलिए कि वसीम रिजवी पूरे तौर पर हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं और हिंदुस्तान से एक विवादित पैगाम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। याद रखें, कुरान 26 आयत दूर की बात है, हम जेरो ज़बर भी बदलने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई सुनवाई नहीं करेगा, मैं मालूम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के फैसले लेता है। सुप्रीम कोर्ट को वसीम रिजवी के खिलाफ फैसला लेना चाहिए और वसीम रिजवी को फांसी देना चाहिए, ये हमारा कहना है, और तमाम उलमाए कराम हमारे फिरोजाबाद के जितने भी हैं सब यही चाहे हैं। इस बात से हमारे शिया समाज के लोग भी ख़िलाफ़ हैं, और शिया समाज से जो उलमाए कराम निकल कर के आ रहे हैं यकीनन वो अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हाँ उन्हें आज भी नबी से मोहब्बत है। और जो लोग अभी निकल के नहीं भी आए, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वसीम रिजवी की इस याचिका के खिलाफ जितनी ज़्यादा हो सके आवाज़ बुलंद करें, इसलिए कि न सिर्फ शिया बदनाम होंगे बल्कि पूरा हिंदुस्तान, पूरे मुसलमान, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी कम्यूनिटी हैं सारी बदनाम हो जाएंगी। इस बात में हम अपने हिंदू भाइयों से भी कहेंगे कि वो भी वसीम रिजवी के खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कराएं, इसलिए कि इसने कुरान के ऊपर तोहमत लगा करके ये चाहा है कि मुसलमान गुस्से में फिर गीता पर उंगली उठाएं। हालांकि हम उठाने वाले नहीं हैं, ये चाह रहे हैं कि हम रामायण पर उंगली उठाएं, लेकिन हम उठाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हमारी हिंदू भाइयों से गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो सके वसीम रिजवी के खिलाफ आवाज़ उठाइए ताकि इंसानियत जिंदा रहे और वसीम रिजवी जैसे लोग शर्मिंदा होकर के अपनी इस बात को वापस लेने पर मजबूर हो जाएं, और सारे के सारे हिंदुस्तानियों से, न सिर्फ मुसलमान से, न शिया से, बल्कि सारे हिंदुस्तानियों से वो खड़े होकर के माफी मांगे हाथ जोड़ के, तब जाकर के हमारे दिलों को सुकून मिलेगा। बस मेरी इतनी गुजारिश है और यही हमारे उलमाए किराम चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से जो आप लोग यहां पर आए, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और लोगों से गुजारिश करूंगा कि भाई इस बात को जितना आगे पहुंचा सके पहुंचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।